प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर छात्र संगठनों की धरना प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धरना प्रदर्शनों की जानकारी नहीं है और अगर प्रदर्शन हो रहे हैं तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार और परिवर्तन को लेकर भी बीजेपी सरकार काम कर रही है ताकि लोगों को परेशानी न हो। स्वाभाविक रूप से कुछ मुद्दे इसमें कथित हुए हैं पिछले कुछ अर्से से और मुझे जानकारी नहीं, आप बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में किसी जगह से इस तरह की घटना हुई है और वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने उस वक्त जो है उसमें जो है वो दमदार तरीके से जो है उसमें कार्रवाई की है और परिणाम तक पहुंचा है। सर, कानून व्यवस्था में सुधार और परिवर्तन की मांग की जा रही है, क्या निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। हमने कहा था हिमाचल प्रदेश में जो एक दुखद घटना हुई थी बुढ़िया वाली, उसके लिए हमारी सरकार आने के बाद हमने कहा कि हम जल्दी हिमाचल प्रदेश में बुढ़िया हेल्पलाइन शुरू करेंगे। एक महीने के कार्यकाल से भी एक दिन पहले हमने जो है गुड़िया हेल्पलाइन शुरू की हिमाचल प्रदेश में। शक्ति बटन की विजन डॉक्यूमेंट में बात कही थी हमने ताकि हमारी बेटियां, हमारे माताएं बहनें जो है सुरक्षित रहें, तो कहीं अगर असुरक्षा के भाव में अगर कहीं उनको ऐसे संकट में अगर जाना पड़ता है, कहीं संकट में आती हैं, गिरती हैं, तो ऐसे में एक ऐप हमने कहा था लॉन्च करेंगे, वो हमने लॉन्च कर दी। शक्ति बटन जो है वो भी 26 तारीख को लॉन्च किया और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो माफिया राज को खत्म करने के लिए हमने एक और बात कही थी कि होशियार जैसी घटनाएं ना हो, चाहे वन माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो ड्रग माफिया है, इनको भी हम सख्ती से निपटेंगे। उस दृष्टि से हमने जो है हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से होशियार हेल्पलाइन भी शुरू की। वहीं जंजैहली में एसडीएम कार्यालय विवाद पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों को चुनावों में हार मिली है ऐसे लोग मामले को भुनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन केवल मात्र राजनीति से प्रेरित है और न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और फैसले को मानना चाहिए। थुनाग की अधिसूचना को सही करार देते हुए उन्होंने कहा कि जंजैहली में एसडीएम कार्यालय बंद होने के बाद लोगों के कार्य रुक रहे थे, इसीलिए सरकार ने सोच समझकर फैसला लिया है। वहीं प्रदेश के बजट पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का पहला बजट जनता के हित में लिया जाएगा और हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। उस सारे विषय को लेकर के वो सरकारी विषय नहीं है, जिस तरह से कुछ लोग उसको एक जो है वो रूप देने की कोशिश, कौन लोग हो सकते हैं उसमें? स्वाभाविक रूप से जिनकी कुर्सी चले गई है प्रदेश से वो लोग हैं सबसे ज्यादा हताश है, निराश है। उसके पश्चात जो है जिनको कुर्सी मिलती नहीं यहाँ पर, जिनकी हमेशा जमानतें जब्त होती हैं, फ्रस्ट्रेटेड है जो एक वामपंथी विचारधारा के लोग, उस सब लोग उसमें हैं। इस तरह से वो कानून और आपको बता रहा हूं मैं कि उस सारे विषय को लेकर के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट ने निर्णय के मुताबिक जो है वो अपनी बात कही, सरकार ने उसी बात को लेकर के ही आगे बढ़ना था, हम उस दिशा में बढ़े हैं। और उनका जो है इस प्रकार से जो प्रदर्शन है वो सिर्फ राजनीति है, शरारत है, और मैंने फिर भी उसके बावजूद खुले मन से उसमें उनको कहा कि आओ बैठते हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय का भी हम सम्मान करते हैं, रास्ता क्या निकलता है उस दिशा से। लोगों का आरोप है कि आप जो अधिसूचना जारी हुई है वो जल्दबाजी में की गई है। चुनाव अधिसूचना देखिए हमने जल्दबाजी में जारी नहीं की है, एसडीएम का दफ्तर जो है वो उसको डीनोटिफाई कर दिया नोटिफिकेशन को। ऐसी परिस्थिति में बात आई कि जो एसडीएम का ऑफिस था उनके काम का निष्पादन कहाँ से किया जाए, वो किस ज्यूरिडिक्शन के अंदर आएंगे, क्योंकि सारा काम जो है रुक गया। और ऐसी परिस्थिति में नोटिफिकेशन जो है वो कानूनी बाध्यता थी हमारे लिए, वो करनी पड़नी थी क्योंकि सारे काम रुके पड़े थे, और इस दृष्टि से वो की है, लेकिन हमने कानून का सारा जो है अध्ययन करने के पश्चात तारीख से हो रहा है, बजट प्रस्तुत करने की तारीख 9 है जी। तो क्या माने कि ये जो जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रस्तुत किया, क्या उस तरह से होगा या कुछ अलग जुड़े होंगे? बजट पर पहले बात नहीं करते, जब होगा बजट तब बताएंगे।